वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन्फो 98। आज के इस वीडियो में हम आपको अफ़गानिस्तान और भारत के मैच के बारे में बताएंगे। मैच के टॉस के वक्त विराट कोहली से ये बात साफ ज़ाहिर सुनी जा सकती है कि उसने अफ़गानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी को कहा कि वो फास्ट बॉल सेलेक्ट करें। इसके अलावा अगर मैच के अंदरून देखें तो किस तरह से अफ़गानिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग नाकस रही। राशिद खान जो एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं उन्हें भी आज काफ़ी सारे रन लगे। इसके अलावा मिस फील्डिंग तो इंतहाई ज़्यादा रही। कुछ फील्डर्स ने हाथ से ली हुई बॉल्स खुद ब खुद बाउंड्री तक छोड़ी और इसके अलावा बहुत सारे कैच छोड़ दिए, इस जिसके बेस पर भारत 200 रन क्रॉस कर गया और 211 का टारगेट दिया। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 47 बालों पर 74 रन बनाए और केएल राहुल ने 48 बालों पर 69। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की लाठी चार्ज भी शुरू रही। हार्दिक पांड्या ने 13 बाल पर 35 रन बनाए और मोहम्मद शमी 3 विकेट लेकर 32 रन बनाए। आपको याद होगा कि पिछले कुछ टाइम से मोहम्मद शमी पर इंडिया मीडिया किस तरह से भरम थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्कोर लगे और जिसकी वजह से मोहम्मद शमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर रही। इसके अलावा रविचंद्र अश्वन 2017 के बाद आज ICC इवेंट में नज़र आए। 4 साल बाद उन्हें यह मौका दिया गया और 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू।